हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और आ गए एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद आरसीबी वर्सेस सीएसके, आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला, उसके हवाले से बात करेंगे। और एक उसके अलावा एक सबसे बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान वर्सेस बिग थ्री, बिग थ्री में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंडिया के वर्ल्ड कप में जो मैचेस होने वाले हैं उनके हवाले से बात करेंगे, उस पर क्या अपडेट है। सो चलते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है केकेआर। कोलकाता नाइट राइडर ने मुंबई इंडियन को कल थ्रैश कर दिया है, बिल्कुल डेमोलिश कर दिया और एक तरफा मैच जीत लिया। और जितनी तारीफ अगर कलकत्ता की जाए उतनी कम है। और मैं आप लोगों को बता दूं, पहला मैच उन्होंने आरसीबी को हराया, उसके बाद कल मुंबई को हराया। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं मुंबई इंडियंस और केकेआर लुक्स सो डेंजरस इन दिस सेकंड लेग ऑफ आईपीएल 2021। चौथे नंबर पे आ गए हैं, उनके आप रन रेट देख सकते हैं प्लस में है। और जिस हिसाब से केकेआर खेल रही है, ओहो कमाल कर दिया कल का मैच। अगर आप देखें उठा के क्या मोमेंटम के साथ बैटिंग की है, क्या उन्होंने पहले मुंबई को रेस्ट्रिक्ट किया 156 के आसपास और उसके बाद जो बैटिंग करी है। अय्यर की जितनी तारीफ की जाए और त्रिपाठी की, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन ये सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी है। कोलकाता ने जैसा जो कमबैक करके दिखाया है भाई साहब, वो टॉप फोर में डिजर्व करते हैं। और अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो प्लेऑफ में आई थिंक वो फाइनल भी खेल सकते हैं, जिस हिसाब की वो मजबूत टीम लग रही है। तो सबसे पहले चलते हैं मुंबई में, कल मुंबई से मुंबई ने क्या क्या किया। रोहित और डीकॉक ने बड़ी अच्छी शुरुआत दी मुंबई को, बट उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए और उसके बाद आया राम गया राम, ताश के पत्तों की तरह टीम पूरी ढेर हो गई। और सिर्फ रोहित ने 33 रन बनाए 30 बॉलों में, डीकॉक ने 55 बनाए 42 बॉलों में। जो मुझे सबसे ज़्यादा चिंता की बात लग रही है वो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की फॉर्म की लग रही है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब से इनको वर्ल्ड कप में इनका नाम अनाउंस हुआ, कहीं ना कहीं प्लेयर्स खुशी के मारे या कुछ भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन ईजी ले रहे हैं। आई थिंक उनको मौका मिल रहा है, प्रिपरेशन मिल रही है वर्ल्ड कप से पहले और उन्हें अच्छे प्रूफ करके दिखाना होगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं वरी साइन होंगे इंडियन टीम के लिए भी आने वाले वर्ल्ड कप में। अभी दो मैच हैं, कम से कम पाँच मैच अभी लीग के और बचे हुए हैं मुंबई इंडियंस के। और कम से कम सूर्य कुमार यादव के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज ईशान किशन का तो खेलने का पंत की जगह खेलने का चांस मुश्किल लगता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ज़रूर वर्ल्ड कप की टीम में खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव को इजी नहीं लेनी है सिचुएशंस को, किसी भी को अच्छे रन में अच्छे फॉर्म में वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। बहुत बड़ा एसेट होंगे वो वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के हवाले से। सो मेरा ये कंसर्न है, आई थिंक सूर्य कुमार यादव भी इस बारे में सोच रहे होंगे, उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा केकेआर ने 159 रन बना दिए 15.1 ओवर में और शुभम गिल एक पहले आउट हुए, उसके बाद वेंकटेश्वर अय्यर और त्रिपाठी 53 रन 30 बॉलों में अय्यर। और क्या बैटिंग की है इस लड़के ने भाई, आप इसके डोमेस्टिक के रिकॉर्ड उठा के देख ले, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उठा के देख ले, ये लड़का जब भी रन करता है कंसिस्ट रन करता है। ऐसा नहीं है एक मैच में किया दो में नहीं किया, ये रेगुलर करता हुआ आ रहा है। और इसने कल दो वर्ल्ड क्लास, बल्कि तीन कह लो, सबको पहली बॉल पे ट्रेंड बॉल फर्स्ट बॉल 6, एडम मिलने फर्स्ट बॉल 6, बुमराह फर्स्ट बॉल 4, कमाल कर दिया। बुमराह को जैसे बॉलर को आगे बढ़ के शॉट खेलना, क्लास शो करता है। देखिए टैलेंट है जब भी आईपीएल में खेल रहा है, नहीं तो टैलेंट के साथ साथ फियरलेस अप्रोच जो है इस लड़के की, अपने शॉट्स पे एतवार है कि हाँ मैं ये शॉट खेल सकता हूँ, इट डजेंट मैटर मेरे सामने वर्ल्ड क्लास बॉलर है या कोई लीग का बॉलर है। लेकिन कमाल कर दिया इस लड़के ने और ये लड़का आने वाले टाइम में बहुत जल्दी अगर ऐसी रहा तो इंडिया की टीम के लिए खेलेगा। और कलकत्ता की जीत में, अगर कलकत्ता, ये अभी कहना तो मुनाफि नहीं होगा कि अगर ये कलकत्ता प्लेऑफ में जाती है तो इस लड़के का रोल बहुत बिग होगा। इसके अलावा त्रिपाठी को मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ, बट इस लड़के के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसको कंसिस्ट नंबर नहीं दिया जाता। मुझे लगता है जब अप ऑफ द ऑर्डर खेलता है हमेशा ये परफॉर्म करता है, और कल भी जब गिल आउट हुए उसके बाद जो इन्होंने मोमेंटम को बनाए रखा और जो रन फ्लो था उसको बढ़ाए रखा, कमाल कर दिया। और जितनी तारीफ की जाए त्रिपाठी की उतनी कम है। मुझे लगता है केकेआर को परमानेंट नंबर देना चाहिए, वन डाउन इनके लिए परफेक्ट नंबर है। नीतीश राणा 4 पे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन त्रिपाठी जैसा प्लेयर जिसके पास चारों तरफ के शॉट हों, फास्ट स्पिनर दोनों को अच्छा खेलता हो, ऐसे प्लेयरों को जब आप अप ऑफ द ऑर्डर उनको भेजते तो उनके ऊपर भी एक बिलीव होता है कि यस मुझे मेरी टीम सपोर्ट कर रही है, मेरी मैनेजमेंट सपोर्ट करती है, तो बहुत ज़रूरी होता है।
ऐसे प्लेयर को अप द ऑर्डर खिलाना, और मुझे लगता है इसको ये पूरे रिमेनिंग मैच में ऊपर ही खेलेंगे। कुल मिला के बात यह है कि कल मुंबई इंडियंस बिल्कुल एक साधारण टीम दिखी, कोई नहीं कह सकता कि ये पांच बार के चैंपियन होंगे या डिफेंडिंग चैंपियन है। कलकत्ता ने बिल्कुल पानी की तरह धो के रख दिया, पानी से धो देते हैं, बिल्कुल रिन लगा के धो दिया, कहीं बैक मैच में आने का मौका नहीं दिया। और हेड्स ऑफ टू केकेआर और इन दो लड़कों के लिए, जितनी तारीफ की उतनी कम है। इसके अलावा बढ़ते हैं अपनी दूसरी उसकी तरफ। आज का मैच आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा मैच आप कह सकते हैं, और हमेशा ही होता है जब इन दोनों टीमें भिड़ती हैं। एक तरफ फायर है कोहली, एक तरफ आयुष है माही, एक तरफ है गुरु, एक तरफ है चेला, एक तरफ है माही भाई, एक तरफ है चीकू। और हेड टू हेड देखें तो चेन्नई का हाथ बहुत ऊपर है, 28 मैच हुए हैं जिसमें से 18 सीएसके, 9 आरसीबी और एक नो रिजल्ट रहा। इसके अलावा फर्स्ट लेग में आपने देखा होगा सीएसके से आरसीबी हार गया था, और सीएसके ने हैमर्ड बाय सीएसके 69 रन से आरसीबी को हराया। और जो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो थी 3D जडेजा, जिन्होंने एक रन आउट भी किया, विकटे भी ली, 50 प्लस रन भी किए, वन मैन आर्मी की तरह वो लड़े और उन्होंने आरसीबी को धराशायी करके रख दिया। आज देखना होगा शारजा के मैच ग्राउंड में, मैच है छोटा ग्राउंड है, बैटिंग विकेट है, मज़ा आने वाला है। शॉर्ट बाउंड्री में छक्के बड़े आसानी से लगते हैं, सो मज़ा आएगा गाइज आज के मैच में देखने में। जो अपनी नर्व्स पे काबू रखेगा वो ज़रूर मैच जीतेगा, और चेन्नई के लिए तो नहीं पर आरसीबी के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो 10 पॉइंट पे अटक गए हैं और अगर आगे बढ़ना है उनको तो ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा एक लास्ट स्टोरी पे चलते हैं, पाकिस्तान वर्सेस बिग थ्री। पाकिस्तान के चाहे पीएम की बात कर ले, चाहे पाकिस्तान के पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की बात कर ले, जब से न्यूजीलैंड का दौरा उन्होंने कैंसिल किया, ये अपने आप में बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। और हमने भी कंडेम किया था उस बात को कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड अगर क्रिकेट के हिसाब से बात की तो अच्छा नहीं किया। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में क्रिकेट घुस गया है, चाहे वो आप अपने नेबर्स के साथ रिलेशन देख ले, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सबको पता है क्या सपोर्ट है क्या नहीं है। मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता बिकॉज मेरा चैनल न्यूज़ पॉलिटिक्स का नहीं है, मेरा चैनल क्रिकेट का है और हम क्रिकेट में बात करेंगे। इसके अलावा इसमें ये है, उन्होंने कहा है कि हमारे इंडिया तो हमारा एनिमी तो है ही है, इंडिया को तो देखना ही है, इसके अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी देखना है। मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि कोई भी अपने दिन पे कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, लेकिन इतने बड़े वादे इतना प्रेशर अपने प्लेयरों पे ना डाला जाए कि जिससे आपको अपनी मुंह की खानी पड़े। जब मैच आए उसके हिसाब से बात करें, मैच की हिसाब से तैयारी करें। आप इंडिया को भी हराएंगे, आप न्यूजीलैंड को भी हराएंगे, इंग्लैंड आपके ग्रुप में भी नहीं है, इंग्लैंड को हराने के लिए आपको सेमीज में जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी बात ना करें। कहीं अगर आप इनमें से किसी दो टीम से एक तीन में से दो टीम से भी अगर आप मैच हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं इतना प्रेशर आप पे आएगा और जो चीज़ आपके साथ दुनिया खड़ी है आप ही का मजाक बनने को तैयार हो जाएगा। सो रमीज राजा साहब या जितने भी उनके न्यूज़ के लोग हैं या जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, जो देखिए फीलिंग्स सबकी हर्ट हुई है हम सब जानते हैं, लेकिन भावना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर भावनाओं में बहना अच्छी बात नहीं होती है। सो मेरा सिर्फ मशवर यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उनकी जितने भी लोग हैं या जितने भी उनके मिनिस्टर्स एंड ऑल हैं, बड़ी बड़ी बातें ना की जाए, मैच टू मैच अगर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपका नेशनल कप स्टार्ट हुआ है और आप उस पर फोकस करें, प्लेयरों की परफॉर्मेंस देखें, अगर आपको लगता है स्क्वाड चेंज हो सकता है तो स्क्वाड चेंज करें, लेकिन बिग थ्री को ऐसे अगर आप थ्रेट करेंगे, दूसरी टीमें भी खेलने आई हैं, जब आप उनको कह चुके हैं कि वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, बिग थ्री है, तो आप खुद देखिए आपको उनका मुकाबला करने में कितनी मुश्किलात हो सकती हैं। सो मेरा मानना यही है, बात जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, तो आप सिर्फ गरजे ना, बरस के दिखाएं। अगर आप बरस दें तो फिर आप गरजे ना, ये ना हो आप गरजते रह जाए और बादल हवा के झोंके की तरह निकल जाए और आप और दूसरी टीम आप पे बरस के निकल जाए तो आपको मुँह की खानी पड़ेगी और इतना मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए मुँह छुपाना। सो मैं यहाँ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी की भी, सो कहीं आप सोचे कि मैं इंडिया भी शामिल है तो मैं क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो टीमें बड़ी बड़ी बात करती हैं गिवन डे पे वो हमेशा धोखा खाती हैं, और आप जिन टीमों से आपका टाकरा है, इंडिया का तो आप सब जानते ही हैं हमारी क्रिकेट को लेके कितने इमोशनल फीलिंग्स होती हैं दोनों मुल्कों में, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी देखना होगा इतना गलत ना करा किया जाए। इसके अलावा एक न्यूज़ और चल रही है कि जो मेल्स वगैरह अगस्त की मेल डेट दिखाई जा रही है कि इंडिया से आई है आईपी एड्रेस ये पे। भाई जब अगस्त से अगर आपको पता है मेल आई हुई है तो आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आप लोग ना सीरियसली कुछ भी पोस्ट डालने से पहले ना
आप लोग ना इमोशनली फूल वाले काम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ दिख जाए हर चीज़ में आप इंडिया को ब्लेम करते हैं। मेरे भाइयों ऐसा ना करें, इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर ध्यान दे। हमारा खुद इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, वर्ल्ड की नंबर वन लीग इस टाइम पर हो रही है, और उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारियाँ सब कुछ, इतना टाइम किसके पास है कि आप दूसरे बोर्ड, आपकी अपनी कमियों की वजह से अगर कोई चीज़ें होती हैं तो आप दूसरे को ब्लेम ना करें। आप न्यूजीलैंड बोर्ड को बोलें आपका हक है, आप इंग्लैंड को बोले आपका हक है, लेकिन इंडिया को ब्लेम ना करें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बस मैं इस टॉपिक में यही कहना चाहता था कि प्लीज़ फोकस करें अपनी क्रिकेट पे, अपनी क्रिकेट की बेहतरी पे, अपने लोगों की बेहतरी पे, प्लेयरों की बेहतरी पे। बड़ी बड़ी बातें ना करें, बड़ी बातें करने से नुकसान होता है, और गिवन डे पे सबको पता है कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। आप या शायद एक चीज़ और भूल रहे हैं, आपने इंडिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की तो बात की, आपको शायद ये नहीं पता अफगानिस्तान ने आपके देश में आने से मैच खेलने से मना कर दिया था। और ये याद रखना जो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके प्लेयरों के अंदर भी टीस होगी उस चीज़ का बदला लेने की। आप समझ चुके होंगे मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, आप सब समझदार हैं, तो ये भी याद रखिएगा उस ग्रुप में अफगानिस्तान भी है, और अफगानिस्तान को जो हल्के में लेगा वो बहुत पछताएगा। सो आप हमारी का बिग थ्री के चक्कर में कहीं अफगानिस्तान से मात ना खा जाएं, इस पे भी बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भी घायल शेर है। उनके साथ जो वो हो रहा है, जो उनके साथ बीत रही है, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी पता है कहाँ से क्या सपोर्ट चल रहा है, तो वो भी इस ताक में बैठे होंगे कब हमें मौका मिले और कब वो भी अपना पंजा मारे। सो गाइस बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलेंगे कल और अपडेट्स के साथ। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा कंटेंट आपको पसंद आया होगा, दोनों तीनों जो मेरे टॉपिक्स थे। सो गाइस ध्यान रखें, ख्याल रखें, जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं जिससे मेरी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शेयर करना ना भूलें, जितने लोगों तक मेरी वीडियो कंटेंट पहुंचेगा उतना अच्छा होगा। सब क्रिकेट से जुड़े, खेल से जुड़े, इस खेल को प्यार करें, यही मेरी दिल से इच्छा है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू सो मच।